टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस की खुमारी अब लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। एथलीट नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने की बात हो या फिर पुरुष हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल जीतने की, टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन का नतीजा है कि खेल मैदानों पर युवाओं और बच्चों का रुझान अब भाला फेंक इवेंट और हॉकी में बढ़ने लगा है। बीते 10 दिनों में दोनों खेलों में भारी संख्या में छोटे बच्चे और युवा खिलाड़ी इन दिनों खेलों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक से पहले कोई दूसरा खेल खेलते थे, वो भी अब जेवलिन और हॉकी की तरफ अपना करियर बनाने का संकल्प ले रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के बाद दोनों खेलों में हुए बदलाव पर देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में जेवलिन थ्रो के प्रति युवा खिलाड़ी आकर्षित हो रहे हैं। स्टेडियम के प्रशिक्षकों की माने तो स्टेडियम में जेवलिन थ्रो की इच्छा लेकर रोजाना नए खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। प्रशिक्षकों का कहना है कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद बच्चों और युवाओं का रुझान बढ़ गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड जेवलिन थ्रो से मिला है, जिसके बाद अब ये खेल लोगों की पसंद बन चुका है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो जेवलिन थ्रो सीखने के लिए काफी युवा खिलाड़ी स्टेडियम आ रहे हैं, उनका आवेदन ले लिया गया है। ऐसे में स्टेडियम के प्रशिक्षक सत्येंद्र सिंह का कहना है कि अगर सरकार खिलाड़ियों और खेल को प्रमोट करे तो हर राज्य से गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सामने आएंगे। देखिए, जब से नीरज चोपड़ा ने भारत को एक नया इतिहास रचा है भारत को, तो मैं सोचता हूँ कि और लड़के जो अभी हमारे पास हैं और लड़के जो आते हैं कि हमको जेवलिन करना है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए कि आने वाले ओलंपिक में वो भी जाएं और पदक जीतें, यही मैं कामना करता हूँ। और हमारे यहाँ जो वो जेवलिन का है, तो जेवलिन थ्रोअर तो बहुत निकले यहाँ से, आज 89 के बाद से यहाँ के कम 15-20 लड़के जो इंटरनेशनल हुए जेवलिन के, तो ये मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि उनको अच्छी जेवलिन और उनका जो हॉस्टल है यहाँ पे वो जल्दी खोला जाए, जिससे कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सके। जिज्ञासा बढ़ गई है लोगों में, बहुत जिज्ञासा है, बहुत नाम किया नीरज चोपड़ा ने, इसलिए जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें बहुत जिज्ञासा पैदा हुई है कि वो और अच्छा करेंगे। क्या नाम है सर? सत्येंद्र सिंह, एथलेटिक कोच, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम। सर, हम लोग जेवलिन थ्रो के सारे खिलाड़ी हैं, हम लोग अच्छी मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। सर, नीरज चोपड़ा ने जैसे मेरे देश का नाम रोशन किया है, हम लोग भी नाम रोशन करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है नहीं सर, जेवलिन नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बट जेवलिन नहीं है, तो हम लोगों को मतलब सरकार से गुजारिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जेवलिन मिले, सुविधाएं मिले, हॉस्टल बंद है, हॉस्टल खुल जाए, यही सब चाहते हैं। अब लोग बढ़ गए हैं, अब लोग तो सर रोज आते हैं, काफ़ी लड़के आते हैं, बोलते हैं हमें प्रैक्टिस करना, बट हम लोगों के पास जेवलिन अवेलेबल है नहीं, तो उससे सर प्रैक्टिस होने का। नीरज चोपड़ा बनना है मेरी जी सर। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के MIC ग्राउंड पर युवा खिलाड़ी अब हॉकी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हॉकी खिलाड़ी इमरान खान का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वो भी हॉकी खेल में आगे बढ़कर देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं। जब से मतलब कि अपने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल पड़ा है, तब से मतलब कि उनके गार्जियन भी मतलब कि लेके आ रहे हैं, या अदर गेमों में भी जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था उसी मतलब कि हॉकी में भी अब लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे हॉकी खिलवाने के लिए। और क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते यही है, मतलब जैसे और गेमों को मतलब कि देखते हैं, देखते हुए मतलब कि हॉकी में भी अपना प्रमोट किया जाए मतलब कि बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव तो बहुत है, जब से ब्रॉन्ज मेडल पड़ा है हॉकी में बदलाव बहुत है, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके गार्जियन लेके हॉकी खेलने के लिए। वहीं 10 साल के युवा खिलाड़ी यूसुफ जहीर का कहना है कि ओलंपिक मेडल जीतने से पहले वो दूसरा खेल खेला करते थे, लेकिन जब से हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है तब से वो भी अपना करियर हॉकी में बनाना चाहते हैं और देश के लिए खेलकर ओलंपिक में मेडल लाना चाहते हैं। जब से इंडियन टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है तब से मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली कि कैसे उन्होंने खेला है और हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, वैसे मुझे भी आगे चल के ओलंपिक खेलना है और हमारे देश के लिए कुछ करना है। पहले कुछ और गेम खेलते थे, अब हॉकी के प्रति आ गए जी? क्या जी? पहले फुटबॉल खेलते थे, ऐसे खेलते थे, लेकिन अब हॉकी में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद
भारतीय खेल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम युवा खिलाड़ियों की बात माने तो अब वो जेवलिन और हॉकी के प्रति आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के MIT ग्राउंड में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर हॉकी चल भी रहा है, और जब से टीम इंडिया ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जेवलिन में गोल्ड जीता है, तब से इन दोनों खेलों के प्रति जो युवा खिलाड़ी हैं वो भारी संख्या में अब इन दो खेलों के प्रति वो जुड़ना चाह रहे हैं। और खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि सरकार से वो मदद की गुहार भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश की हो या अन्य राज्यों की हो, वहाँ उनको इतनी सहूलियत नहीं मिलती है, लेकिन अब वो गुजारिश कर रहे हैं कि अगर सरकार अच्छी सहूलियत देगी तो गोल्ड मिलाना काफ़ी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, माई भारत, प्रयागराज।